संसद के बजट सत्र में चौथे दिन बजट पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक आज नेता विपक्ष राहुल गांधी बजट पर चल रही चर्चा में शामिल हो सकते हैं। 24 जुलाई को चर्चा की शुरुआत हुई थी। अटकलें तेज हैं कि आज संसद में फिर भारी हंगामा हो सकता है। नीट और अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष पहले से आक्रामक है। अगर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने चर्चा में हस्तक्षेप किया तो लोकसभा में फिर हंगामे का दृश्य दिख सकता है। उधर कांग्रेस ने 3 छात्रों की मौत के मामले को लेकर दिल्ली में लचर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाने की तैयारी की है। इसके लिए कार्यस्थगन नोटिस दिया गया है। तो संसद में बजट पर बहस हो रही है। उधर मोदी सरकार के मंत्री देश में घूम घूम कर बजट की खूबियां गिना रहे हैं। बजट के भाषण में दो प्रदेशों के नाम लेकर के वहां चर्चा ज्यादा की गई, बिहार के और आंध्र प्रदेश के। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी प्रदेशों को इग्नोर किया गया है, क्योंकि वहां कुछ उल्लेखनीय बातें सबके बीच में रखनी होती है। बजट का जो पाठ होता है, बजट का जो ग्रंथ होता है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ बातें उल्लेख करने के लिए नाम ले लिए जाते हैं। अगर मानो मैं राजस्थान के बजट की बात करूं, आप लोगों ने जरूर उसका अध्ययन किया होगा। राजस्थान में जिले कितने हैं? 50। कभी भी जितने जिले हैं बजट में, सब जिलों का उल्लेख कभी होता नहीं है। लेकिन जो बजट बनता है, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ जिलों का नाम ले लिया तो उनका बजट होता, बाकी का बजट होता ही नहीं है। ये एक प्रकार से दो भाग में है, एक इंटरिम बजट और एक फाइनल बजट। इन दोनों को जोड़कर जब हम देखते हैं तो ध्यान आता है कि सबका बजट, सबका साथ सबका बजट अमृत पीढ़ी को तैयार करते हैं आगे आने वाले दिनों में कैसे देश तेजी से आगे बढ़े, हर गरीब का उद्धार हो, गरीबी से निकल के वो मिडिल क्लास और फिर आगे और उसको एक उज्जवल भविष्य मिले। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो सदन में उठ सकते हैं? राहुल गांधी का क्या भाषण है वहां पर, और क्या ये बजट पे जो ये बार बार इसी को लेकर चर्चा चल रही है कि ये बजट के सिर्फ 2 राज्यों को फायदा पहुंचा रही है, आंध्र और बिहार, क्या इसी को लेकर चर्चा और हंगामा या कुछ और मुद्दे भी इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कहीं ना कहीं बजट को लेकर तो चर्चा हो ही रही है और 20 घंटे का एलोकेशन था लोकसभा के अंदर। जो है राहुल गांधी अगर आज बोलेंगे तो वो बजट पर एक बार फिर से सरकार को घेरेंगे और विपक्ष का ये आरोप है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को जो है वो आर्थिक पैकेज दिया गया है, बाकी राज्यों के साथ जो है वो भेदभाव किया गया और ये बजट जो है भेदभाव करने के लिए है। सरकार अपनी कुर्सी को बचाने, यानी कि सरकार को बचाने के लिए जो है ये बजट लेके आई है, इन 2 राज्यों को जो है वो बजट दे रही है। और इसमें आरजेडी का ये भी आरोप है कि जिन परियोजनाओं और जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा अलोकेट किया गया है, उन प्रोजेक्ट्स पर पहले से काम चल रहा है, यानी कि पुरानी बोतल में नई शराब उतारने का जो है काम किया गया है इस सरकार के द्वारा। और बजट एलोकेशंस में जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी को लेकर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है विपक्ष को घेरेंगे। जब राहुल गांधी पिछली बार बोले थे, देखना होगा कि आज कैसे फिर एक बार हंगामा होता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।